पन्ना जिले के पवई विधानसभा से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी ने विकास यात्रा के दौरान अचानक तबीयत उनकी खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में पवई अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बाद में पन्ना जिला अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया। अब उन्हें सीएम के निर्देश पर भोपाल नेशनल हॉस्पिटल के रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत है उन्हें। जिले के संजय कुमार मिश्रा ने विधायक की तबीयत का जो है उसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनकी तबीयत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। माननीय विधायक जी का परसों से इलाज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। विधायक जी पूरी तरह स्टेबल हैं, उनकी सारी जांचें यहाँ पे नॉर्मल हैं। अब कुछ जो जांच यहाँ पे उपलब्ध है वो सारी जांचों के हिसाब से वो स्टेबल हैं, अच्छा रिकवर भी कर रहे हैं। ऑक्सीजन भी उनको का इनटेक पूरा कम हो, कल पूरे दिन भर ऑक्सीजन की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी। लेकिन उच्च जांच के लिए, जिनकी जांच यहाँ पन्ना में संभव नहीं, हायर एडवांस जांच के लिए उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोग भोपाल हमने शिफ्ट किया है। वर्तमान स्थिति कैसी रही है? स्टेबल है, अभी कहाँ रेफर किया गया है? भोपाल रेफर किया गया।